जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल वनरक्षक का एग्जाम जिसके लिए है वो अपने वनपाल वनरक्षक की एग्जाम की तैयारी के अंदर जुटा हुआ होगा, और जिसके लिए राजस्थान पुलिस का पेपर पास हो रखा है वो अपने फिजिकल के अंदर लगा हुआ होगा, और फिजिकल से रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बताए थे वो अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के अंदर व्यस्त होगा। दोस्तों, जो वनपाल वनरक्षक की एग्जाम है इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट क्यूरी इस प्रकार थे कि सर हम करंट अफेयर के लिए लास्ट में कौन सी बुक पढ़े, या कहां से पढ़े कि हमारा करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाए, या करंट अफेयर से संबंधित जितना भी जो पोर्शन है वो हमारा एग्जाम के अंदर आए और उसमें से एक भी क्वेश्चन है वो हमारा गलत नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, राजस्थान हो चाहे कहीं की भी वैकेंसी हो, चाहे इंडिया लेवल हो चाहे राजस्थान लेवल हो, और राजस्थान के अभी जो हाल ही के अंदर जो भर्तियां गई है जिनके एग्जाम हुए हैं, बहुत सारी भर्तियां हुई थी, लेब असिस्टेंट की हुई थी, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की हुई थी, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की हुई थी, लाइब्रेरियन की, पीटीआई की, इन भर्तियों के अंदर सबके अंदर देखा जाए तो वेटेज जो था करंट अफेयर का, इस करंट अफेयर के वेटेज के अंदर जो पोर्शन थे जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे थे या जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग यहां से ध्यान से देखना, और यहां से आप अगर पढ़ेंगे दो तीन बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास में सफिशियंट टाइम है कि आप करंट अफेयर का दो बार कम से कम रिवीजन कर पाए। तो आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले बता दूं करंट अफेयर आपको कहां से तैयार करना है या कहां से पढ़ना है, जो जहां से ऑनलाइन क्लासे ले रहा पहले से, और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं आप उसका रिवीजन कर ले, और जिन्होंने कहीं से क्लास नहीं ली या जिन्होंने कहीं से नोट्स नहीं बनाए नहीं मिले, तो उनके लिए सबसे बढ़िया और सबसे शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों के समक्ष मटेरियल है वो है आप मुमल या क्रोनोलॉजी की बुक है, उसको उठाकर आप वहां से करंट अफेयर पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी जो एग्जाम है उसके अंदर आप उनको पूछिए और आप लोग आराम से संतुष्ट होंगे कि यहां से ही क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के लगभग आप लोगों को देखने के मिल जाएंगे और यहां से आ जाएंगे। ये छोटी छोटी बुकें होती है जो आप जल्दी से कम समय के अंदर आप कवर कर सकते हैं, और यहां पर आप अच्छा से जो करंट अफेयर है उसका आप एग्जाम के अंदर वेटेज जो है वो आप जो लेकर चले हैं वो आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के अंदर मुमल क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की जो संभावनाएं है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जनगणना 2011, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आंकड़े यहां से आते हैं। आप देखा होगा राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान के 2011 के जनगणना के जो आंकड़े हैं यहां से मैं पूछकर आप लोगों का असम के बहुत सारे आंकड़े पूछे थे। असम का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग असम से बहुत सारी चीजें आपको पूछी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को 2011 की जो जनगणना है इसका शुरू से फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसके बाद में नीचे से थर्ड तक तो लेना ही है, लेकिन आप 5 तक याद करें, बेस्ट ऑफ 5 और निचले पायदान के 5, ये जो 5 आंकड़े 10 आंकड़े है हर सब्जेक्ट का या हर जो टॉपिक है उसका, तो वो आप लोग तैयार करके जाएं, वो आप देखकर जाएं, ताकि आपका 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है वो आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब बजट आता है और बजट का जो यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज होने के बाद में कितना पैसा मिला, कितने का कहां पर कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई, किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो आर्थिक समीक्षा है वो साल की आती है बजट यूटिलाइज होने के बाद में। तो आप लोगों का एग्जाम अभी 2022 का, तो 2021 की जो आर्थिक समीक्षा है वो आप लोगों को पढ़ना है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो बजट और योजनाएं, जो बजट हमारा अभी आया था, इस बजट से संबंधित ऐसी इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं जो अभी इस महीने के अंदर होने वाली है या इससे आगे वाले महीनों में होने वाली है या इससे पिछले महीने के अंदर हुई है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ की आपको कवर करनी है। योजनाएं जो चल रही है जिसके अंदर अमेंडमेंट हुए, जिनके अंदर कुछ बदलाव या चेंजिंग किए गए हैं वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके खेल से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, चाहे इंडिया लेवल हो चाहे राजस्थान लेवल हो। इसके बाद में जो उपाधियां वर्तमान में अगर किसी को उपाधियां दी है, किसी को पुरस्कार दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी लेना है, जो अभ्यास वगैरह हुए हैं इनके बारे में। इसके बाद में वर्तमान में कौन कहां पर क्या है ये आपको जरूर देख के जाना है, वर्तमान में कौन व्यक्ति है जो कौन से पद पर है और कहां पर वो है और कौन से विभाग के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, तो ये चीजें आपको देखकर जानी है, ये चीजें आपको क्लियर करके जानी है। यहां से आपको करंट अफेयर बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जो वनपाल वनरक्षक की भर्ती के अंदर जो करंट अफेयर को लेकर जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, आप निश्चिंत हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।